नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड भारत, साथ मैं हूं पुनीता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अहम खबर आपको बताएं। झारखंड में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की दिशा में राज्य सरकार का बड़ा कदम उठाने जा रही है। आपको बताएं, राज्य सरकार की ओर निकाली जाने वाली 25 करोड़ रुपए तक की विकास योजनाएं अब ऐसे संवेदकों को दी जा सकेगी जो झारखंड में निबंधित हो। सरकार जल्द ही कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाएगी। इससे योजनाओं में स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी, साथ ही स्थानीय संवेदकों को काम मिलने से स्थानीय मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा काम मिलना संभव होगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में अपनी सहमति प्रदान कर दी है। राज्य की आधारभूत संरचना के विकास के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से राज्य सरकार निर्माण कार्यों के लिए निविदा निकालती है। अब तक चल रही व्यवस्था में विकास कार्यों के लिए प्रकाशित निविदाओं में बाहरी संवेदक या कंपनियां अपनी दावेदारी कर देती है। बाहर से आने वाले बड़े संवेदक और कंपनियों से प्रतिस्पर्धा होने के कारण राज्य के स्थानीय निविदाताओं या संवेदकों की उचित भागीदारी नहीं हो पाती है। मुख्यमंत्री का प्रयास है कि राज्य में रोजगार सृजन की दिशा में कुछ कठोर कदम उठाए जाए ताकि प्रवासी मजदूरों को भी राज्य में ही रोजगार मिल सके, और लिहाजा ये तय किया गया है कि 25 करोड़ तक की निविदा में झारखंड के स्थानीय निवासी ही भाग ले सकेंगे। इससे स्थानीय लोगों के साथ राज्य में लौट रहे प्रवासियों को रोजगार मिलेगा।